तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। जाहिद जी, जमशेदपुर से खबर आ रही कि एक संस्था के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कौन है वो संस्था, कहाँ पे किया गया आयोजन और किस खुशी में, किस चीज को लेकर के आयोजन को किया गया, आप जरा इस खबर की बारे में संक्षेप में बताएं। ये देखिए शालिनी जी, आपको बता दें जमशेदपुर के मानगो गुरुद्वारा बस्ती सामुदायिक भवन में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। समाज के कुछ लोग भी उपस्थित थे, संस्था के लोग भी उपस्थित थे। मामला यह है, आपको बता दें इन लोगों का मकसद है संस्था का, ये महिलाओं को रोजगार दिया जाए, महिलाओं के लिए कुछ सोचा जाए। संस्था तो हमारी सोचती है रोजगार, मगर नहीं दे सकती है, तो ये रोजगार देने का काम सरकार का है। और इसी बात को लेकर के आज इस जब हमने बातचीत किया है संस्था के एक सदस्य है उत्तम चक्रवर्ती जी से, उनका कहना है हमने स्वास्थ्य मंत्री जी के बात में, स्वास्थ्य मंत्री जी के पास भी इस बात को रखा गया है महिलाओं को रोजगार देने का। साथ ही साथ उनके भाई गुड्डू गुप्ता जी को आज हम लोगों ने बुलाया है, मंत्री जी के भाई हैं, उनको सामने हम लोग सारे बात रख रहे हैं अपने, ताकि हमारी बात को गुड्डू गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को बताएं और महिलाओं को रोजगार देने की बात है ये जी। यह जो कार्यक्रम था यह कहीं ना कहीं महिलाओं के हित में था, उनको रोजगार देने के लिए वो सरकार से गुहार कर रहे हैं, इसीलिए वो स्वास्थ्य मंत्री तक ही अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं और इसलिए इन्होंने यह मतलब कार्यक्रम किया जी। धन्यवाद जाहिद जी, बाकी खबरों के लिए बने रहे जमशेदपुर से सोना न्यूज के लिए। आज मानगो गुरुद्वारा रोड सामुदायिक भवन में व्यक्तित्व विकास संस्थान जो कि 14 वर्षों से समाज में अपना योगदान दे रही है, एक महिला सशक्तिकरण एक कदम स्वरोजगार की ओर कार्यक्रम के तहत ये महिलाओं को मानगो क्षेत्र की अलग अलग जगह से महिलाएं आई हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की गई है, जिसमें माननीय मंत्री महोदय से भी इस विषय में चर्चा हुई और आज का कार्यक्रम उसी विषय पर रखा गया है। हम अपने स्तर से तो इसमें प्रयास कर रहे हैं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, पर सरकार की भी भागीदारी, सरकार का भी सहयोग जब इसमें मिलेगा तब अधिक से अधिक महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ पाएंगी। हमारा संस्था का उद्देश्य है कि जितनी भी महिलाएं हैं महिलाओं से बनी निर्मित चीज़ें की एक मार्केट तैयार करें, सभी महिला समूह को जोड़कर आपस में उनकी चीज़ों की खरीद बिक्री आपस में हो, उसके बाद एक योजना के तहत उनके सामानों को हम बाजार तक पहुँचाएंगे। हम पूंजीपति और लखपति को करोड़पति ना बनाकर हमारी नारी शक्ति को आगे बढ़ाएंगे। किनको बुलाया गया है इसके लिए माननीय मंत्री महोदय से कहा गया था, उनके बिहाप में पश्चिमी विधानसभा प्रभारी गुड्डू गुप्ता जी आए हैं, उनसे हम लोग एक मांग भी रख रहे हैं उनके माध्यम से, मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री से भी हमारी मांग रहेगी कि जो भी महिला लघु उद्योग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो महिलाएं बना सकती, रोजगार दिया जाए लोगों को जी, इनको स्वरोजगार हो, ये स्वरोजगार कर आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो। आपका नाम? उत्तम चक्रवर्ती, व्यक्तित्व विकास संस्थान उपाध्यक्ष।